खरसिया के ग्राम गुर्दा क्षेत्र के जंगल क्षेत्रों में विचरण कर रहे 32 हाथियों का दल आने के बाद खरसिया वन विभाग के रेंजर ने गांव में मुनादी करवा दी, लोगों को किया आगाह, जंगल क्षेत्र में किया मनाही। खरसिया में 32 हाथियों के एक दल ने खरसिया के ग्राम छाल क्षेत्र में प्रवेश कर रायगढ़ जिले के खरसिया वन परिक्षेत्र में आमद दी है। यह दल ग्राम गुर्दा के घने वन क्षेत्र में विचरण कर रहा है। वहीं चार किसानों के फसलों को भी हाथी ने नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के दल के आने से प्रभावित गांव के किसानों में फसलों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। खरसिया रेंजर सीएल डलसेना से मिली जानकारी के अनुसार खरसिया वन परिक्षेत्र के ग्राम छाल क्षेत्र से 32 हाथियों का दल ग्राम गुर्दा के जंगलों में विचरण कर रहा है, जिसमें नर 13, मादा 10 तथा 9 शावक है। वहीं चार किसानों के फसल को हाथियों के दल ने नुकसान पहुंचाया है। खरसिया वन परिक्षेत्र में करीब 10 हाथी प्रभावित गांव है, जहां के लोग अपने खेत मकान और परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। खरसिया रेंजर सीएल डलसेना अपने वन विभाग की टीम के साथ लगातार हाथियों के दलों पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि उन्हें आबादी क्षेत्र की ओर आने से रोका जा सके। समय रहते सावधान कर जान माल के नुकसान को रोकने के इंतजाम सुनिश्चित किए जा सके। कल रात को सूचना मिला है हाथी आने का ही है, और रात में ही कुकरी चोली और बरबोना के चार कृषकों को फसल को खाते हुए रात में ही हाथी यहाँ गुर्दा जंगल 1169 PF में रुक गए हैं। वो अभी भी विचरण कर रहे हैं, और शाम को ही फिर किधर जा पाएंगे बता पाएंगे, अभी फिलहाल जंगल में विचरण कर रहे हैं। सर ये किधर से आए हाथी? ये हाथी छाल परिक्षेत्र से आए हैं, धर्मनगर मंडल की ओर से। कितने हाथियों का दल सर क्या आएगा? इसमें हाथी का दल 32 का है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।